ठीक है बच्चों, अभी हम जिस चीज से बात निकाल लिया सभी ने, अच्छा आपकी क्लास का टॉप परफॉर्मर कौन है, जिसने जिसके हाईएस्ट नंबर आते हैं आपकी क्लास में? 8 में फर्स्ट कौन आया था पिछली बार? लीना। लीना मैंने आपके लिए तालियां बजानी पड़ी, सभी लोग बजाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा लीना, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, तुम डेली ऐसे क्या करती हो कि जिससे तुम फर्स्ट आई हो? कैसे पढ़ती हो डेली, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक कैसे करते हो? पर इतना दिनचर्या बताओगी, सभी लोग सुनना चाहेंगे, जरूरी है। देखो यही चीज होती है कि हमें आज लगता है कि हम 10 आदमी हमें देख रहे हैं, हम शर्माते हैं, हो रहा ना कि कैसे बोले ऐसी चीजें। हमें बस इन्हीं चीजों को देखना होता, और कुछ ही नहीं करना होता जिंदगी में। आप लोगों को, आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो ये सभी चीजें आपको समझ आएगी अभी थोड़ी देर में। अभी बस ये बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह ये 5 बजे उठते हैं। देखिए सभी चीज नोटिस कीजिएगा एक एक करके। 5 बजे उठने के बाद आप मुंह हाथ धोने के बाद चाय वाय पीते होंगे या सीधा पढ़ाई? देखो सभी लोग मतलब 5 बजे उठने के बाद पढ़ाई चालू कर देते हैं। अच्छा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ते होगे लगातार, फिर उसके बाद स्कूल के आने की तैयारी चालू कर देते होंगे। अभी सभी लोग ध्यान से सुनना जो तो ये बता रही है पहले, क्योंकि तो जरूरी है चीजें समझना, ठीक है? ये 5 बजे उठते हैं, मुंह हाथ धोने के बाद फिर अपनी स्टडी चालू कर देते हैं 5 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है? और 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक स्कूल के लिए आ जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल एक्यूरेट। स्कूल में भी पढ़ाई होती है पूरा दिन, होती है, फिर आप लोग निकल जाते हैं, फिर शाम को 2 बजे के बाद क्या करते हैं? ट्यूशन जाते हैं। किस टाइम जाते हैं ट्यूशन? 7 बजे, 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 2 घंटे वहां। फिर उसके बाद आने के बाद डबल ट्यूशन, उसके बाद एक और ट्यूशन जाते हैं। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे जो भी आता सीख रहे हो, मतलब पढ़ाई पे ही ध्यान है ना सारा दिन। फिर सोते कितने बजे? 10 बजे। देखो अभी एक चीज देखना, जो चीजें मैं आपसे पूछूंगा आपको बताना है सभी को। ये 5 बजे भी पढ़ रही है, 7 बजे तक, 5 से 7 पढ़ रहे हैं। ओके, फिर ये पढ़ रहे हैं 8 बजे से लेके 2 बजे तक कंटिन्यू स्कूल टाइम में भी पढ़ रही है, स्टडी कर रही है स्टडी। फिर ये मतलब 2 बजे से लेके 4 बजे कैसा है, तो रेस्ट का टाइम पीरियड है इनका, रेस्ट करते हो 2 से 4 में, या उसमें भी कभी कभी किताब खोल ही लेते होंगे? हम मान लेते 4 बजे से लेके 10 बजे तक इन्होंने फिर स्टडी की, टोटल कितने आवर्स हो गए कोई बताएगा? टाइम जोड़ के कोई बताना चाहेगा कि इन्होंने कितना टाइम लगाया पढ़ाई करने में? बताओ बढ़िया, आप बताओ कोई कोशिश जो लगे आपको कि ये एक्यूरेट टाइम है, इतने इस टाइम तक कितने में हो जाएगा? टाइम पीरियड किसी को कैलकुलेट करना आ रहा नहीं आ रहा? 14 आवर्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक चीज बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि आप सबको कि अगर ये 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो इनको फर्स्ट आना नहीं बनता? बनता है ना इनका, इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर कोई आदमी इतना टाइम लगाएगा तो फर्स्ट आएगा नहीं आएगा? अब मेरे को ये बताओ कि क्लास में से इनके अलावा कौन कितना टाइम और लगा रहा है, क्योंकि इन्होंने अगर 14 आवर्स लगाया एक दिन में तो ये फर्स्ट आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन अपनी मेंटेन किए हुए। मेरे हिसाब से पिछली बार भी फर्स्ट ही आए होंगे, उससे पिछली बार भी फर्स्ट ही आए होंगे, और उससे पिछली बार भी फर्स्ट ही आए होंगे। क्यों बुढ़िया, मैंने कहीं गलत तो नहीं बोला ना? कंटिन्यू फर्स्ट आ रहे हो ना? अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, यही फर्स्ट क्यों आ रही है? लीना ही फर्स्ट क्यों आ रही है हर बार? अच्छा हीना हीना, ओके ओके, एच आई है या डायरेक्ट ई डब्ल्यू? ओके ओके। अच्छा हीना ही फर्स्ट क्यों आ रही है? आपका नाम? जोर से बोलो। सहजाद। सहजाद एक बात बताओ, मैम थोड़ा स्टूडेंट को भी कवर कर लीजिएगा। एक कहते हैं सहजाद एक बात बताओ, यही फर्स्ट क्यों आ रही है आपके क्लास में? आप क्यों नहीं आए?
देखो कभी शर्माने की जरूरत पता कब होती है, जब हमें आंसर नहीं पता होता। मुझे पता है, आपको पता है क्यों फर्स्ट आ रही है, आपको पता ना फर्स्ट क्यों आ रही है। हाँ, पढ़ती है, कितना टाइम पढ़ती है? 14 आवर्स। और आप 6 बजे उठते हो सुबह, 6 बजे उठते हैं, चाय पानी पीते हैं, फिर अपना टीवी वगैरह देख लिया होगा सुबह। आपका कौन सा रैंक आया था क्लास क्लास का? हम जिस चीज के लिए बात करने के लिए हम आप लोगों से, यही चीज जरूरी है। देखो आज आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्लास एक लड़की फर्स्ट आ रही है, लेकिन हर बार यही आ रहा है। आप लोगों के साथ ही क्लास में फर्स्ट आई, वही फर्स्ट आ रही है, यही हो रहा ना। आपकी क्लास में फर्स्ट कौन था? नमिता। देखो नमिता भी हर बार फर्स्ट आ रही है, कन्वर्ट भी बहुत बढ़िया। इससे पहले आप किस स्कूल में थे? तो वहां फर्स्ट आते थे हम, तो यहाँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कंपटीशन की। ठीक है, अभी देखो मैं जिन चीजों की बात करूंगा ना, अभी आप लोगों को समझ आएगा कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, कि यही फर्स्ट क्यों आ रही है। ठीक है, समझना है हमें। समझने का मतलब होता है दो तरीके, एक मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्या वो जो वर्ड मैं आपको, जैसे मैंने बोला इसका नाम हीना, हीना का नाम से बोला आपको समझ आ गया ये हीना है। ठीक है, अब मैं इसके अलावा जो वर्ड बोल रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोल ही क्या रहा हूँ। इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा, इसके लिए समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर करेंगे भी क्या, किस चीज की तैयारी करेंगे? तो मेरा बता दें कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, यही हो रहा है भैया। पढ़ाई का मतलब यही है कि हमें समझाना है, अच्छे से समझना है, नहीं समझ आता है तो पूछना होता है। और हमें शर्म किस चीज की आती है कि लोग क्या कहेंगे, यही लगता है कि यार ये हंस देगा, ये हंस देंगे, कुछ नहीं होता बच्चों। ऐसी कोई भी चीज होती है, देखो एक बात बता रहा हूँ, क्लास में फर्स्ट आते हो तो तुम्हें इनाम मिलता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ही इनाम देंगे, बुरे तुम्हें नहीं देते ना। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट तुम्हारे इनाम इनको दे दिया, कुछ घर वाले तुम्हारे खुश होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि इनके घर वाले तुम्हारे फर्स्ट आने पर खुश हो रहे होंगे या इनके सेकेंड आने पर खुश हो रहे होंगे। इसका मतलब हमें बेसिक चीजें, बेसिक तो सबसे छोटी छोटी चीजों को सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम करते कैसे हैं, लेकिन पता इन्हें भी नहीं होता कि कर कैसे रहे और फर्स्ट हर बार आ रहे हैं, ये नहीं पता। एक इन्होंने एक मेथड बना रखा है, मेथड समझ लो प्रक्रिया, इन्होंने ऐसा प्रोसेस बना रखा है, इनको एक्यूरेटली पता नहीं है कि मैं प्रोसेस में कैसे काम करूं, लेकिन मैं फर्स्ट आ रही हूं। अभी वही प्रोसेस अगर आप लोग भी करने लग जाओगे ना, तो आप लोग भी फर्स्ट आ जाओगे। समझना है हमें क्या करने की जरूरत है, हमें उस प्रोसेस को सीखने की जरूरत है ना। अगर हमें प्रोसेस पता, जैसे किसको चाय पानी किसी को बनाना आता है, खाना वाना कुछ आता है ना। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा खाना बनाने के लिए उसका प्रोसेस होता है ना, पहले गैस को ऑन करोगे, फिर उसके ऊपर बर्तन रखोगे, टमाटर प्याज काट के डालोगे। ऐसे तो नहीं करते ना कि कढ़ाई को सबसे आखिरी में लेकर आओगे, टमाटर प्याज काट के उसको हवा में रख दोगे, नहीं होता ना ये। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज है जो ना एक सिस्टम से चल रही है। सिस्टम से मतलब अभी देखो आप सब लोगों को पता है 8 बजे स्कूल आना है, पता है ना। आप लोगों के पैर काम जाते होंगे कि 8 बजे के लेट हो गए, आप जाते हैं ना पहुंचने में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आप लोगों को ना कोई डायरेक्शन दे दीजिए, डायरेक्शन मतलब गोल, जैसे कि इन्होंने बैठो बेटा आपका परेशान मत बैठो, हीना हीना ने अपने आपको ना एक गोल की डायरेक्शन दे रही, गोल समझ रहे हो, गोल गोल का मतलब बताओ कोई, गोल का मतलब बताओ कोई, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य समझ में आता है किसी को, लक्ष्य कैसे बताओ, कोई एक बच्चा बताओ जिसको लगता है कि ये लक्ष्य का मतलब ये है, मुझे आप बताओ। फोकस करना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बैठो, और कोई जो बताना चाहे आप बताओ मुझे, कोई आइडिया जो लग रहा हो कुछ भी आपको। देखो सबसे पहले होता है कि हम मैंने किसी चीज के बारे में जब बात ही नहीं करते ना, तो इसका मतलब हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, सोच भी नहीं रहे इसका मतलब हम उसके लिए कुछ बना भी नहीं पा रहे दिमाग में अपने लिए। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है हम पहले उसके लिए सोचे, उसके लिए फिर कुछ बनाए दिमाग में, सही या गलत बाद में आता है। ठीक है, पहले आता है कि हमें उसके बारे में सोचना है। जैसे गुड़िया मैं पूछ रहा हूँ गोल के बारे में, कुछ बताओ अब तुम्हें जो लगता है ना, जैसे भी सही या गलत जो भी बताओ कुछ।
गोल के बारे में आपको जैसे लगता है, फुटबॉल खेलते हैं गोल पोस्ट होते हैं ना, गोल मारते हैं, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले जरूरी होता है बोलना, जब आप बोलोगे नहीं तो हेजिटेशन या घबराहट कभी होती नहीं है, हमारे अंदर खुद बनाते हैं। मैं उसमें भी आऊंगा कि वो चीज़ है क्या, बताऊँ उस चीज़ को आपको गोल, ठीक है। अभी जैसे हिना ने ना अपने आप को ना गोल सेंटर कर रखा है, गोल सेंटर का मतलब कि इसको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं, इसको यही करना है। हिना ने अपना गोल डिसाइड कर रखा है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। ये इसको कब से, जब ये फर्स्ट क्लास से जब एंट्री की पढ़ाई चालू की तब से इसको सिखाया गया कि इसी डायरेक्शन में ही चलना है। सभी लोग लिखो पहला पॉइंट गोल, जब आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो उसके लिए जरूरी चीज है पहले गोल होना जरूरी है। लिखो आप भी, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। जिस भाषा में आपको समझ आ रहा है, हिंदी उर्दू जो भी आपको लिखना, अच्छे से लिखो। सबसे ऊपर लिखो कि अगर आपको क्लास में फर्स्ट आना है, पहले ये लिखो कि हमें फर्स्ट आना है। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन लिखो हमें फर्स्ट आना है, उसके नीचे लिखो गोल, गोल पे लिखो कि हमें सबसे पहले गोल बनाना होगा। कोई दिक्कत नहीं गुड़िया, जैसे तुम्हें सही लगता वैसे लिखो, ठीक है। लिखो बेटे, कितना टाइम हो, गोल लिखा, ठीक है। गोल के आगे लिखो कि हमें डेली है ना छोटा गोल बना के उसको पूरा करना है। चलो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं अभी थोड़ा सा समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। आपका नाम क्या बताया था, शहजाद। शहजाद उठो एक मिनट, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि तुम्हें ना क्लास में फर्स्ट आना क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आना क्या करना होगा। जो बच्चा फुटबॉल खेल के गोल करता था ना, मतलब उसके दिमाग में था कि जब मैं गोल में मारूंगा ना गेंद तभी वो गोल कहलाएगा, ये पता है ना। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ना एक गोल देना होगा। गोल मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक किस दिशा में काम करना है, वो दिशा डिसाइड करनी पड़ेगी ना। डिसाइड का मतलब आ रहा है इसमें कि हमें वही चुनना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसी चीज को कि हमें फर्स्ट आना ही, सबसे पहला काम आप लोग जब भी सुबह उठेंगे या क्लास में आएंगे अपने पहले पेज पे डेली लिखेंगे कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन लिखो अपने पहले पेज पे या कहीं भी लिखो, ये डेली एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है, कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है। जब हम ये लिखेंगे ना इससे क्या होगा, देखो हम लोगों का ना ध्यान नहीं रहता कभी भी किसी चीज का। जैसे अभी यहाँ से निकले कि आपको पता है घर पे जाना, लेकिन रास्ते में सब सब चीजें देखते हुए जाएंगे, पहले वाली चीज भूल जाएंगे ना। जब हम किसी चीज को लिख देते हैं ना कॉपी पे तो हमें याद रहने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। हमें बस खुद को याद दिलाना है, हमें बस क्या करना है, खुद को याद दिलाते रहना है कि मुझे फर्स्ट आना है। आप लोगों को उसके अलावा कुछ नहीं करना। जब आप ये याद दिलाएंगे ना, आपका मन अपने आप आपको कहेगा कि अभी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो जब आप लोगों को पता रहता है ना कि सुबह 8 बजे पहुंचना है स्कूल में, तब आप लोग है ना आपको घर वाले भी उसी हिसाब से आपके साथ काम करते हैं। 7 बजे आपको तैयार करना चालू करते हैं, खाना रेडी करते हैं, टिफिन पैक करते हैं, और आप देखेंगे कि मेरे हिसाब से पिछले 5 या 6 साल से ना आप कभी लेट नहीं हो रहे। ये आप लोगों ने जो गोल बना रखा है ना 8 बजे पहुंचने का, हमेशा पूरा होता है। ये छूटता है कभी किसी का गोल, कभी नहीं छूटता ना। क्यों सर, बैठो सर, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें यही चीज करना है, हमें क्या करना है, बहुत छोटे गोल बनाने हैं। बहुत ये नहीं कि अभी कल आज ही डिसाइड कर लो कि नहीं आज मैं पूरा चैप्टर कर दूंगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है बहुत ही छोटा, जिसे बोलते बहुत छोटा कदम। हमें खुद से ये कहना है कि मैंने एक लाइन पढ़ूंगा हर 1 घंटे में कम से कम, है ना, मैं एक एक लाइन पढ़ता रहूंगा। और जब आप एक एक लाइन पढ़ना चालू करोगे, एक एक लाइन छोटी छोटी, तब आपके पास क्या होगा, आपको लगेगा कि यार मैंने देखो कितने छोटे छोटे काम पूरे कर दिए। आदमी को खुशी तब होती है या यकीन तब होता है कि जब मैंने कोई काम पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, जब उसको ये यकीन हो जाए कि यार मैंने बहुत सारे छोटे छोटे काम पूरे किए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको पता है कि 8 बजे पहुंच ही जाओगे, आप कुछ भी हो, बारिश आए बारिश आए नहीं रुकते ना, मतलब कोई भी सिचुएशन आपको कभी रोक नहीं पाती ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास गोल होगा ना, हम जरूर से जरूर उसको पा ही लेंगे। ये समझ आया, बुढ़िया समझ आया कुछ,
क्या होना चाहिए हमारे पास अभी? गोल होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? डेली पढ़ना है, वो है। लेकिन इससे पहले हमें डेली क्या करना है, आप लोग जब भी क्लास में आए, जैसे सुबह प्रेयर होती है, उसके बाद सबसे पहले अपने कॉपी के पहले पेज पे यहाँ पर अपना गोल लिखे कि मुझे इस बार क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है? रफ कॉपी से स्टार्ट करते हैं ना काम, रफ कॉपी पे आते ही सबसे पहले यहाँ लिखे कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है? और पीछे का एक पेज हमेशा के लिए फिक्स कर ले, रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यही लिखना है कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, ठीक है? बढ़िया, फर्स्ट ही आना है, ऐसे तो नहीं लास्ट आना है। अच्छा, अगर तुम फर्स्ट आओगे तो घर वालों को खुशी होगी नहीं होगी? यही चीज।